हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। फिर से माजी एक नए अपडेट के साथ आप लोगों को फिर से मैं बताने वाला हूँ मलेशिया का कुछ न्यूज। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। काफी दिन से मैं अपने वीडियो पर देख रहा था, ठीक है, आप लोग कॉमेंट कर रहे थे कि भाई मलेशिया का पेमेंट के बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है, मलेशिया का पेमेंट कैसे मिलता है, मलेशिया का पेमेंट में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, मलेशिया का पेमेंट जो है इंडिया में बताया जा रहा है कुछ और, मलेशिया में आने के बाद कुछ और मिल रहा है। तो देखिए, कल का वीडियो में एक शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ था आप लोगों को, थोड़ा बहुत बताया हुआ था उस वीडियो में पेमेंट के बारे में, मलेशिया के पेमेंट में कैसे क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में कंप्लीटली मैं बात करने वाला हूँ पेमेंट के ऊपर में कि मलेशिया में आप लोग आते हैं तो कितना पेमेंट आप लोगों को मिलेगा, पेमेंट का रूल क्या होता है, कब आप लोग का पेमेंट बढ़ता है, कब क्या मिलता है, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मलेशिया आना है काम करने के लिए, चाहे अभी आप लोग मलेशिया आ भी गए हो काम करने के लिए, चाहे आप लोग सोच रहे हो आने के लिए, आप लोग वीजा अप्लाई किया हो, अपना पासपोर्ट दिया हो किसी एजेंट को, किसी ऑफिस को लगाने के लिए, तो आप लोग पूरा तरीका से जानकारी ले लो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि पेमेंट मलेशिया में कैसे बढ़ता है, कितना आप लोगों को पेमेंट मिलता है, कितना बेसिक से लेता, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात कि आप लोग क्या होता है, सबसे पहला गलती एजेंट का बात मानते हो। आपका कोई एजेंट, जिस एजेंट से आप लोग काम करा रहे हो मलेशिया आने के लिए, आपका जो एजेंट है वो बोल रहा है कि आप मलेशिया में आप जाओगे आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, 50,000, 55,000, 60,000 रुपये पेमेंट मिलेगा, आप लोग ये चीज़ सोचकर अपना वीजा लगवा देते हो उसके थ्रू। लेकिन वही आप लोग मलेशिया के अंदर में आते हो तो आप लोग को पैसा नहीं मिलता है, जो एजेंट बोलता है 50,000, 60,000 रुपया वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, सबसे पहले आप लोग को बात ये चीज़ समझना है, मलेशिया के अंदर में गवर्नमेंट के हिसाब से पैसा मिलता है, जो गवर्नमेंट का रूल्स होता है उसी के अनुसार पैसा पेमेंट मिलता है और पेमेंट बढ़ता भी। आप लोग ये चीज़ समझिएगा, आप लोग बाय द वे मलेशिया आ रहे हो किस काम में, आप लोग आ रहे हो कंस्ट्रक्शन काम में आ रहे हो, फाउंडेशन काम में आ रहे हो, मैन्युफैक्चर काम में आ रहे हो, ऐसा सर्विस सेक्टर में आप लोग आ रहे हो, ये जितना सेक्टर में आप लोग आ रहे हो, ठीक है, जितना सेक्टर का आपका वीजा लग रहा है वो जनरल वीजा लग रहा है, मतलब मलेशिया का जो जनरल वीजा है, जो जनरल रेट है वो आप लोग का रेट लगेगा, ठीक है, जो कि मलेशिया का गवर्नमेंट डिसाइड करती है पेमेंट, जो मलेशिया का न्यूनतम रेट रहता है वही डिसाइड करती है गवर्नमेंट, जो कि 1500 न्यूनतम सैलरी है, ठीक है, 1500 की आप लोग न्यूनतम सैलरी मिलता है मलेशिया के अंदर में, जो चार सेक्टर है, चार सेक्टर में जो न्यूनतम रेट रहेगा, जनरल सेक्टर में आप लोग आते हो तो आप लोग को 1500 मिलता है। 1500 इंडिया का कितना हुआ, 17.50 रुपये के हिसाब से जोड़े तो 1500 रुपया कितना हुआ इंडिया का, समथिंग 27,000-28,000 रुपया हुआ, ठीक है, 27,000-28,000 रुपया आपका बेसिक पेमेंट जो गवर्नमेंट आपका निर्धारित करती है, जो कि 8 घंटा ड्यूटी की निर्धारित करती है। लेकिन वही पेमेंट को मलेशिया भेजने के नाम पे जो इंडिया में एजेंट बैठे हैं लोग, वो लोग बोलते हैं कि मलेशिया में 50,000 पेमेंट मिल जाएगा, 55,000 मिल जाएगा, तो उतना पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा मलेशिया में आने के बाद। रहा बात कि ओवर टाइम इंक्लूड करके, फ्राइडे इंक्लूड करके, ये सब करके आप लोग पैसा कमा सकते हो, 40,000, 45,000, 50,000 रुपये कमा सकते हो। लेकिन जो बेसिक पेमेंट रहता है, बेसिक पेमेंट ही 8 घंटे का डिसाइड होता है, जो कि मलेशिया न्यूनतम रेट रहता है 1500 अभी हो गया, 1500 मिलता है आप लोग को। लेकिन बहुत सारे लोग को ये भी शिकायत रहता है कि भाई मलेशिया के अंदर में 1500 जो बेसिक सैलरी, लेकिन हमको 1500 भी नहीं मिल रहा है, हमको कंपनी 1300 ही दे रही है, 1200 भी दे रही है। जिनको जिनको ये 1200-1300 जो मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, जो कंपनियां दे रही है, जो आप लोग जो हो मलेशिया के इलीगल तरीके से हो, ठीक है, अगर आप लोग लीगल प्रोसेस रहोगे, आपका परमिट लगेगा, किसी कंपनी के अंदर में आपका वीजा लगेगा, तो आपका जो मलेशिया का जो रेट है 1500 मिलेगा, 1500 से कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, मलेशिया का जो न्यूनतम रेट रहेगा उससे ज़्यादा ही आप लोग को मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। नंबर सेकंड बात कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप पूछते हैं बहुत सारा मन के, मैं ये भी डाउट रहते हैं, मैं मलेशिया के अंदर में आ रहा हूँ जनरल काम से ही आ रहा हूँ, जनरल काम ही अगर मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग जो, क्योंकि जो मेरा वीडियो देखते हैं लेबर काम में बहुत ही ज़्यादा आने का कुछ मिलता है, लेबर कैटेगरी कौन सा हो गया, जनरल काम से बहुत ज़्यादा आने के लोग वाले मेरा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो जनरल काम में अगर आप लोग आते हो मलेशिया के अंदर में, तो रहा बात कि पेमेंट कब बढ़ेगा, तो देखिए मैं जनरल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हाई प्रोफाइल की जॉब बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में, ठीक है, आप लोग बात को समझिएगा। जो जनरल काम है अगर आप लोग आते हो मलेशिया के अंदर में, तो आप लोग का जो पेमेंट है, पेमेंट आप लोग काम का देखकर, आप लोग का क्वालिटी देखकर, आप लोग जितना पुराना हो वो सब देखकर पेमेंट आपका नहीं बढ़ेगा। आप लोग ये चीज़ सोचोगे मलेशिया में 4 साल रह गया, 5 साल रह गया, चाहे 2 साल हो गया तो मेरा पेमेंट बढ़ेगा, तो आपका वैसा पेमेंट नहीं बढ़ेगा मलेशिया के अंदर में। आपका जो पेमेंट है गवर्नमेंट ही बढ़ाएगी, जो गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करेगी वही रेट आप लोग को मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब डिसाइड रेट करेगी तभी आप लोग को मिलेगा, बशर्ते आप 10 साल रह जाओ मलेशिया के अंदर में, किसी कंपनी में कितना भी आप पुराना हो जाए, लेकिन आपका जो पेमेंट है जो गवर्नमेंट एक बार बोल देगी वही पेमेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को पैसा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा मलेशिया में आप लोगों को। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि मैं मलेशिया के अंदर में आ रहा हूँ, मेरे एजेंट बोल रहा है
कि आप जाओ मलेशिया के अंदर में काम करो, आपका बेसिक पेमेंट जो लग जाएगा 1500 रिंगिट लग जाएगा, लेकिन आप लोग एक साल काम करोगे तो आपका पेमेंट जो हो जाएगा 2000 रिंगिट हो जाएगा। कितना सारा लोग का ये भी कमेंट आया मेरे वीडियो, कितना सारा लोग का ये भी कमेंट आया कि 6-6 मंथ में पेमेंट बढ़ने जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर में आपका जो पेमेंट बढ़ेगा, जो रेट जो रहेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जो गवर्नमेंट का रेट रहेगा वही आप लोग रेट मिलेगा, वही आपको पैसा मिलेगा पेमेंट। रहा बात की पेमेंट कब होता है मलेशिया के अंदर, तो मलेशिया के अंदर आप लोग कंपनी में आप लोग आते हो, देखिए मैं लीगल प्रोसेस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलीगल वाले लोगों नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो लीगल प्रोसेस हो किसी कंपनी में, अगर आप लोग आ रहे हो काम करने के लिए, ठीक है, लीगल काम से अगर आप लोग आ रहे हो, तो आपका जो पेमेंट है टाइम टू टाइम मिल जाएगी, ठीक है। आपका पेमेंट सप्ताह के 7 तारीख के पहले आपका अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगी, 7 तारीख 8 तारीख के पहले आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। मलेशिया के अंदर में आपका पैसा जो होता है टाइम टू टाइम आपका बैंक अकाउंट में मिलता है। रहा बात की बहुत सारे लोग ये भी समय मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि जो मलेशिया का जो पेमेंट होता है वो कैसे मिलता है, पेमेंट हैंड कैसे मिलता है या बैंक अकाउंट में मिलता है। दोस्तों आप लोग जिस दिन आओगे जिस कंपनी के अंदर में, तो आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा मलेशिया के अंदर में, बैंक में ले जाकर कंपनी आपका अकाउंट खोल देगी। अकाउंट मलेशिया का बैंक रहेगा जिसमें आपका अकाउंट खुला रहेगा, उसी में आपका पेमेंट रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों मन में ये रहता है कि मेरा जो पैसा है अकाउंट में इंडिया वाला अकाउंट में जाएगा पैसा, तो इंडिया वाला अकाउंट में आप लोगों को पैसा नहीं जाएगा, पेमेंट आएगा आपका जो पेमेंट मलेशिया का ही अकाउंट एक ओपन कर दिया जाएगा, कंपनी एक ओपन कर देगी आपका अकाउंट, उसी में आपका पैसा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का डाउट क्लियर हो गया कि मलेशिया में पेमेंट कितना तरीके मिलता है। दोस्तों पेमेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाता है, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग लीगल प्रोसेस से हो तो। रहा बात कि कितना पैसा बढ़ता है मलेशिया के अंदर साल में, तो दोस्तों पैसा जो बढ़ेगा आपका गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वही आपको पैसा मिलेगा। न्यूनतम रेट आप लोग को मिलेगा जो 1500 रिंगिट रेट है, वही आप लोग को पेमेंट मिलेगा, ठीक है। 4 सेक्टर में अगर आप लोग आते हो तो, अगर आपको एजेंट बढ़ा 40,000-50,000 रुपये बढ़ रहा है अमीर है, तो 40,000-50,000 रुपये आप लोग नहीं मिलेगा, आप लोग को 1500 रिंगिट मिलेगा। आप लोग ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा और फ्राइडे का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों ये सब डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया अगर मलेशिया के अंदर पेमेंट का क्या हिसाब किताब रहता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा मेरा वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग को आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग, क्योंकि मैं मलेशिया रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में बनाते रहता हूँ, आप लोग मैं मलेशिया की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाले वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।